नमस्कार, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का मूल कारण क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इस संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसके मूल कारण समय के साथ बदलते आए हैं। आरंभ में धर्म, भूमि और ऐतिहासिक अनबन इस संघर्ष के मूल कारण रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए धार्मिक स्थल हैं, जो इस जगह को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके बावजूद इन्हीं स्थलों के चलते धार्मिक विवाद भी होते रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे इस संघर्ष के मूल कारणों में से एक हैं। इजराइल का गठन 1948 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों पैलेस्टीनियन भागीदार हुए और यह एक मुद्दा बन गया। सीमा विवाद भी इस कन्फ्लिक्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इजराइल पैलेस्टाइन सीमा पर विवादित क्षेत्रों के मुद्दे इस कन्फ्लिक्ट को बढ़ा देते हैं, लेकिन इस कठिनाइयों के बावजूद भारत और दुनिया भर के विश्व समुदाय ने इस कन्फ्लिक्ट के समाधान के लिए कई प्रयास किए हैं। शांति के माध्यमों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं और हम आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।